हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आज बनाने जा रही हूँ निमोना। मटर से बनने वाली ये डिश बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास हाफ के जी मटर है, इनको मैंने छील के बीज निकाल लिए हैं और मटर को मैं फ्राई करने जा रही हूँ कुछ मसालों के साथ। तो मैं इन मसालों के साथ फ्राई करूँगी। मेरे पास ये हरा धनिया है, एक हरी मिर्च और एक पीस अदरक का है, और ये मेरे पास है कुछ काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा। इन मसालों के साथ मैं भूनने जा रही हूँ मटर को। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब मैं कढ़ाई में डालने जा रही हूँ एक चम्मच सरसों का तेल। तेल को हमें गरम करना है अच्छे से। तेल गरम हो जाने के बाद हमें इसमें मसाले डालने हैं। तो फर्स्ट मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा हमारा जब भुन जाएगा तब मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च, और ये मैंने डाल दिए हैं अदरक का टुकड़ा और एक हरी मिर्च। इनको हमें चलाना है, ज़्यादा हमें इनको भूनना नहीं है, हल्का फुल्का भूनना है। और उसके बाद मैंने डाल दी है ये मटर, और मटर को हमें इन मसालों में अच्छे से फ्राई करना है और इसी तरह से भूनना है। तो अब मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और नमक, जिससे कि मटर हमारी अच्छे से भुन भी जाए और हल्की हल्की ये सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से मसालों को मैंने चला दिया है, और अब मैं ढककर रख रही हूँ 5 मिनट के लिए मटर को, जिससे कि हमारी मटर सॉफ्ट भी हो जाए और अच्छे से भुन जाए। भुनी हुई मटर में अच्छे से महक आती है जब हम निमोना खाते हैं। तो हमें जो है फर्स्ट इन मसालों के साथ मटर को भून लेना चाहिए, जिससे कि हमारा जो निमोना है वो अच्छे से टेस्टी बने। मटर हमारी भून चुकी है, तो अब मैं मटर को उतार के दूसरी साइड रख दूंगी, और उस गैस पर रख रही हूँ मैं दूसरी कढ़ाई। कढ़ाई को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है, और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ 2 चम्मच तेल। अब मैं निमोना बनाने के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। जब तक हमारी मटर ठंडी हो रही है तब तक मैं ये तड़का बना रही हूँ। तो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच मेथी। मेथी को हमें अच्छे से इसमें तेल में भूनना है, और मेथी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। और अब डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 पिंच मेरे पास ये हींग। आप चाहे तो मसालों की मात्रा ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मेरे पास 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, तो इनको मैंने बारीक काट लिया है, और मैं इस तड़के में डाल रही हूँ। इन मसालों में मैं टमाटर को अच्छे से मिला लूँगी और इनको सॉफ्ट होने दे रही हूँ। 1 मिनट के लिए मैं ढककर रख दूँगी। तो उससे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इनको 1 मिनट के लिए ढक रही हूँ। एक मिनट हो चुके हैं, तो टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इनको मैश कर लूँगी स्पैचुला की मदद से, और जब हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और मैं इस तरह से मिला लूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हमें टमाटर को इनको मैश करते हुए चलाना है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 उबला हुआ आलू। ये मेरे पास 1 उबला हुआ आलू था, जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, और मैं इस तड़के में इन आलुओं को मिलाने जा रही हूँ। हमें इन आलुओं को भी भूनना है,
तो जब तक हमारा ये तड़का रेडी हो रहा है, मतलब भुन रहे हैं हमारे आलू, तो मैं इनको लो मीडियम फ्लेम पर ढककर छोड़ रही हूँ 2 मिनट के लिए। उधर हमारी मटर जो मैंने फ्राई करी थी, भुनी थी, वे ठंडी हो गई हैं, तो मैं मिक्सी के बड़े जार में डाल के इनको पीस रही हूँ, यानी कि पीसने जा रही हूँ। और हमें जो निंगोना बनाने के लिए मटर को बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा रखना है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारी जो मटर है वो मैंने क्लियर नहीं पीसी, बारीक करके थोड़ी हल्की मोटी यानी दरदरी रखी है। तो मटर हमारी पीस चुकी है, तो अब मैं वही तड़के को आपको दिखा रही हूँ। हमारा तड़का में जो मैंने टमाटर आलू डाले थे वो अच्छे से भुन गए हैं। इनको हमें अच्छे से भूनना है, जिससे कि हमारी जो निमोने में काफ़ी अच्छी महक आए। तो बाद अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें पिसी हुई मटर जो मैंने फ्राई की थी, यानी कि भुनी थी कुछ मसालों के साथ। आलुओं को हमें फोड़ना नहीं है, इसी तरह से हमें हल्के हल्के इनको चलाना है। और जब ये मसाला भुन जाएगा तो अब मैं डाल रही हूँ जार को ही धुल करके पानी, और हमें निमोना काफ़ी रनी रखना है, क्योंकि गाढ़ा इतना टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि हम इसको चावल से भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इसमें नमक टेस्ट कर रही हूँ, आपको इस टाइम पर नमक टेस्ट कर लेना है कि आपके निमोना में नमक कितनी है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है, और निमोना हमारा पकना शुरू हो गया है। तो आप इसको लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाइए। तो आप देख सकते हैं निमोना हमारा बन गया है, तो मैं इसको और 2 मिनट के लिए पकाने जा रही हूँ। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, निमोना हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप सब इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। निमोना बनने के बाद मैंने इसमें डाले हैं मक्खन के छोटे पीस, आप चाहे तो इसमें मलाई डाल के भी खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने निमोना की रेसिपी बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।